हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बीपीएससी का आज से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन में ही स्टेट का आपका सर्टिफिकेट नंबर और आपका इशू डेट मांग रहा है। देखिए, पहला समस्या तो ये है। दूसरा है कि स्टेट का बहुत लोग का सर्टिफिकेट ना डाउनलोड हुआ है, बहुत लोग स्कोर कार्ड भी डाउनलोड नहीं किए हैं। तो देखिए, अभी बिहार बोर्ड की तरफ से इसके लिए कोई गाइडलाइन चाहे कुछ नहीं आया। इसके रिजल्ट तो हटा दिया था। तो स्टेट का अब मान लीजिए जिनके पास सर्टिफिकेट है, जैसा इस पर लिखा हुआ है, दिस वेब कॉपी वैलिड ओनली फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट, समझे, बाय बीपीएससी। तो देखिए, अब इस पर एक देखिए, अभी हड़बड़ा के आप लोग फॉर्म नहीं भरिएगा, समझे, क्योंकि एक से दो दिन रुक जाइए आप, समझे। तो कन्फर्म जब सब चीज़ हो जाएगा कि मान लीजिए जैसे इससे पिछले बार सीटेट के सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं था तो एन ए लिख दिया गया, लेकिन वहाँ पर इशू डेट था, इसमें तो इशू डेट भी नहीं है कहीं। ऐसे 3 तारीख को रिजल्ट आया था, लेकिन इशू डेट होना चाहिए कब रिजल्ट आया। देखिए, अब स्टेट का सर्टिफिकेट अब बहुत लोग डाउनलोड नहीं किए थे, जैसे ये वाला वेब आप स्कोर कार्ड बहुत लोग डाउनलोड किए थे। स्कोर कार्ड जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, एक लिंक है जहां से आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कोड्स का डाउनलोड करना होगा तो आप इंडिया रिजल्ट पर चल जाइएगा, समझे। लेकिन देखिए, अब ये डाउनलोड करके नहीं समझिएगा हो गया। बिहार बोर्ड के तरफ से जब तक कोई चीज़ क्लियर स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक एक दो दिन में हड़बड़ाइए ज़्यादा नहीं तो फिर करो इंडिया रिजल्ट पर चल जाइएगा और यहाँ से आप बिहार सेलेक्ट कीजिएगा, समझ गए। बिहार और बिहार के बाद यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा आप बिहार स्टेट रिजल्ट स्कोर कार्ड, समझे, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, समझे। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा, एक मिनट, इस पर क्लिक कीजिएगा, खुल लाइन देख खुल जाएगा आपका, समझे, एक खुलेगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के रिजल्ट ले सकते हैं, मतलब रिजल्ट अपना देख सकते हैं। रिजल्ट वही स्कोर कार्ड, देखिए अब सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। तो जो लोग स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं, समझ गए, यहाँ से स्कोर कार्ड डाउनलोड करके आप अपना, अब सर्टिफिकेट नहीं तो एगो ऑप्शन है ना ये वाला, समझे, इससे कर सकते हैं। लेकिन इस पर एक दो दिन रुकने, भरभराइए नहीं ज़्यादा, एक दो दिन रुकने के बाद ही काम कीजिएगा, समझ गए। इंडिया रिजल्ट पर जाकर जो लोग स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं इससे जाके कर लीजिएगा, समझ गया। दूसरा चीज़ बताते हैं, इस पर ना आपका यूनिक आपका क्या बोलते हैं ना यूसी डेट है ना सर्टिफिकेट नंबर है। पहले आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट मिलता था वो आपका मिलता था डीओ ऑफिस में, समझ गए, हार्ड कॉपी में मिलता था जिस पर इशू डेट भी लिखा रहता था और उस पर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर भी था, समझे। तो अभी आप मेरा सजेशन मानिए तो एक दो दिन रुक जाइए, हम भी पता लगा रहे हैं सब चीज़। उसके बाद जब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा तब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में ही सब चीज़ हो रहा है और गलती हो जाएगा तो फिर सुधार होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हर बार आइए ज़्यादा नहीं, समझे कि नहीं समझे। जो सुधार हो जाएगा, जैसे इस पर कुछ अपडेट आएगा हम आपको क्लियर कर देंगे, समझ गए। बहुत लोग पूछ रहे थे, समझे, तो सबका जवाब देना तो उतना नहीं है। तो जो लोग स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड किया है इंडिया रिजल्ट पर, जैसे आपको बताया वैसे जाकर स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। जिसके पास पहले से स्कोर कार्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज़ आप कर लीजिएगा, समझ गए। थैंक यू।